बिहार से अब बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोटा जैसी सुविधा अब छात्रों को बिहार में ही उपलब्ध होगी। कोटा के बेहतरीन शिक्षक बिहार में अब छात्रों को नीट की पढ़ाई कराएंगे। कोटा के ही शिक्षकों ने राजधानी में वेदम क्लासेस को आज लॉन्च किया है, जहां बिल्कुल कोटा जैसी ही आधुनिक ढंग से पढ़ाई छात्रों को दी जाएगी। वेदम क्लास के शिक्षक विशाल तिवारी ने बताया कि अब छात्रों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जरूरतों को यही बिहार में रहकर हम पूरा करेंगे और बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बच्चों से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का विश्लेषण किया। आइए सुनते हैं खुद वेदम क्लासेस के शिक्षक विशाल तिवारी से। तो नमस्कार सब लोगों को, और मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं पहले कोटा में पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं एक्चुअली बिहार का ही हूँ। और जब भी पढ़ाता था तो मुझे एक चीज़ की कमी हमेशा से फील हुआ कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं हमारी क्लास में, बट घर पे जाके वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और हर बच्चों के सिलेक्शन में 60% रोल उनका है, इनफैक्ट मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि जर्नी उनकी है, सिलेक्शन उनका है, डॉक्टर उनको बनना है। सो इस वजह से वो अपना 60% काम अगर अच्छे से कर लें तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हर टीचर अपना 40% लगाता है, पूरा दम लगाता है, अपना 100% देता है। और टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, सिलेक्शन 20 का होता है। इसमें सोचने की जरूरत है क्यों ऐसा हो रहा है, वो 80 कहाँ लैग कर रहे हैं। तो सिलेक्शन रेशियो अपने आप बढ़ेगा जब हम उन 80 पे काम करेंगे, और 80 अपने घर पे अच्छा काम नहीं कर पा रहा। तो एक हमने फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है यहाँ पे, उसका नाम दिया है वेदम क्लासेस। और हम यहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट इस तरह से कह रहे हैं कि बच्चा घर पे जो सुविधाएं नहीं ले पा रहा है, मान लीजिए वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, टीवी है, मोबाइल है, उसके पास फैकल्टी टीचर नहीं है जो उसे डाउट पूछ पाए, दो सवाल सॉल्व करता है, तीसरे में फंस जाता है, छोड़ देता है, डीमोटिवेट हो जाता है, तो उसको सपोर्ट के लिए एक खंबा बन के हम उसके जर्नी में रहने के लिए हम यहाँ पे एक वेदम क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा विजन इसको लेके ये है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्रांड बना देना है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और नीट के एग्जामिनेशन के लिए। और मैं बच्चों से और पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद दूंगा पटना के इस धरती पे कि मैं सोच के आया था कि बहुत जितना मेरे दिमाग में था कि इतने बच्चे आएंगे, लगभग 2-3 गुने रिस्पांस मिला हमें। और अभी हम बस स्टार्टिंग सेंटर हमने यहाँ डाला है, हम इसको पूरे पटना में एक्सपैंड करेंगे। और कॉन्सेप्ट ये है कि उसका 80% जो बच्चा नहीं कर पाया किसी वजह से, मैं उसको 80% मोटिवेशन के थ्रू, बुक्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू, उसको गाइडेंस के थ्रू, उसको समझाना है उसको क्या दिक्कत आ रही है, बस वो सॉल्व कर दे। और मेरा पढ़ाई तो सब बच्चा कर लेगा, पढ़ाई का आदत डलवाना है मेरा काम, बस उसको 7-8 घंटे रोजाना हम यहाँ पे बिठा के पढ़ाएंगे, 2 घंटे उसमें क्लासेस होगी, 5 घंटे हम वहाँ उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको बता के जाएंगे कि आपको 5 घंटे में ये कंप्लीट करना है। और 5 घंटे में जो कंप्लीट करेगा उसी को यहाँ से निकलने की अनुमति दी जाएगी, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी काउंसलिंग के थ्रू हम लोग हेल्प भी करेंगे कि आप किस वजह से नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपने वेदम क्लासेस में इंक्लूड किए हैं। बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड हम यहाँ पे एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हमने उसका ध्यान रखा है कि बच्चों की आंख पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए, लंबे लंबे घंटों में पढ़ता है बच्चे की आंख इफेक्ट आ जाती है, तो येलो लाइटिंग की व्यवस्था करी, टेबल लैंप की व्यवस्था करेंगे आगे जाके कि ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, उनके फूड हैबिट्स को हम अच्छा करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ पाए। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं पिछले सालों बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुका हूँ अपने बच्चों के साथ, यहाँ पर मैं कम से कम उस रिजल्ट को 5 वीक्स करने आया हूँ। और ये शायद मुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ प्रूव करने के लिए अब हम लोग और हम अपनी टीम के साथ जी जान झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ और यहीं से पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ रिटर्न दे दिया जाए। तो यही मेरे तरफ से वेदम क्लासेस की शुरुआत रखी।